नमस्कार, मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। तो फाइनली Realme 3 Pro हमारे पास यहां आ चुका है, अभी थोड़ी देर पहले यहां डिलीवर हुआ है और यहां पे हम फर्स्ट इंप्रेशन देखेंगे। ये मैंने कार्बन ग्रे मंगाया हुआ है, तो आपको यहां पे फर्स्ट इंप्रेशन बताऊंगा, बक्से के इनसाइड क्या मिलता है। और बक्से के इनसाइड जो मिलता है वो डेफिनेटली सबको पता है, लेकिन हम यहां पे एक सिर्फ फॉर्मेलिटी एक नॉर्मली कर लेंगे और यहां पे फर्स्ट इंप्रेशन की बात करेंगे कि ये कार्बन ग्रे वाला जो ये डिवाइस है Realme 3 Pro ये कैसा दिखता है। और पहला यहां पर अगर मैं बात करूं तो पहला यहां पर जो एक फील जो आता है डिवाइस का वो कैसा आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बहुत अच्छी बात, नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। तो चलिए, ये पहला रिटेल यूनिट है, ये पहला नहीं दूसरा रिटेल यूनिट है कार्बन ग्रे का। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर पैकेजिंग बहुत अच्छी आई थी फ्लिपकार्ट की तरफ से, नो डाउट। और प्राइसिंग तो आपको पता ही है, 4GB 64GB वाला वेरिएंट है। ज्यादा कुछ मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला नहीं हूँ, सीधा मैं डब्बा यहाँ पे खोलता हूँ। 16+5 मेगापिक्सल का कैमरा है, फ्रंट इसमें 25 मेगापिक्सल का है। तो यहाँ पर हमने डब्बे को खोल लिया है, और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर आपको अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे यूजर मैनुअल्स दिख जाते हैं, और यहाँ पर आपको एक अच्छा सा एक कवर दिख जाता है। सबसे अच्छी चीज यहाँ पर है कि आपको यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट का भी प्रोटेक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये एक मुझे अच्छी चीज लगी इसमें कि इसमें चार्जिंग प्रोटेक्शन भी इसमें चार्जिंग पोर्ट का दिया गया है, और इसके अंदर कुछ नहीं है। चलिए इसे भी साइड कर लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला चीज जो आता है सामने वो है यहाँ पे हमारा फोन, इसे हम यहाँ साइड रख लेते हैं। यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है इस डिवाइस का वो मुझे लगा इसका वोक चार्जर। नो डाउट ये पहली बार आप जब हाथ में लेंगे तो डेफिनेटली जो ओप्पो वीवो नहीं बोलूंगा वन प्लस यूजर्स जो है, तो वन प्लस यूजर्स को पता होगा कि ये वाला वही चार्जर है जो वन प्लस में दिया जाता है। तो काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी की और काफी अच्छा ही मतलब हैवी, और एक लगता है कि हाँ भैया एक चार्जर है और एक ये वोक चार्जर है। देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है, आने वाले वीडियोज में पता चलेगा। तो चलिए हमने इसे भी यहाँ पे साइड कर लिया है, और यहाँ पे आपको एक चार्जिंग केबल दिख जाता है, और दिखने से इसका लेंथ और क्वालिटी काफी अच्छा लग रहा है। और USB टाइप सी इसमें आपको देखने को नहीं मिलता अनफॉर्चुनेटली, और डब्बे के इनसाइड कुछ भी नहीं है। और अब हम चलिए यहाँ पे सीधा अब हम आते हैं फोन की तरफ। फोन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले जो हाथ में लेने के बाद जो पहला इंप्रेशन, ऑनेस्ट इंप्रेशन अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं तो ऑनेस्ट इंप्रेशन मैं आपको यहाँ पे दूंगा, मुझे ये ओप्पो और वीवो वाला फीलिंग आ रहा है। यहाँ पे पहला इंप्रेशन मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा, ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे Realme 2 Pro इससे ज़्यादा बेटर लगा था, उसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे ज़्यादा अच्छी लगी थी। यहाँ पर फर्स्ट इंप्रेशन मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि आज के टाइम पे यहाँ पे जहाँ पे ग्लास बिल्ड अभी आ रहे हैं सारे के सारे फोन में, वहीं पर इन्होंने पॉलीकार्बोनेट यूज़ किया है। पॉलीकार्बोनेट है, इसका कोई ड्रॉबैक नहीं है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे कि इसमें पॉलीकार्बोनेट यूज़ किया गया है। काफ़ी अच्छे अच्छे हैंडसेट्स में पॉलीकार्बोनेट देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने बिल्ड क्वालिटी जो पॉलीकार्बोनेट का दिया है वो अप टू द मार्क नहीं लग रहा है मुझे। मुझे बहुत ही बोलूँ तो फिर मतलब एक वो 14,000 वाली फ़ोन की जो वैल्यू जो होती है ना वो नहीं लग रहा है। वहीं अगर मैं Honor 8X की बात करूं, Honor Play की बात करूं, ये ऐसे डिवाइसेस हैं जो इसी रेंज में आते हैं, इसी बजट सेगमेंट में आते हैं। Note 7 Pro की बात करूं, Note 7 की बात करूं, तो वहां पर आपको ग्लास डिजाइन, मेटल, ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। पॉलीकार्बोनेट यूज किया गया है, इससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट का मुझे बहुत चीप फीलिंग दे रहा है। नो डाउट स्पेक्स वाइज तो ये फोन डेफिनेटली बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है। तो चलिए इसे हम बूट कर लेते हैं और बूट करके फिर आते हैं, और यहाँ ओवरऑल तब तक हम यहाँ पर आपको स्पेसिफिकेशंस देते हैं। Realme की ब्रांडिंग आपको दिखती है यहाँ पे, पावर्ड बाय एंड्रॉयड। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको मैं बताऊँ तो फिर यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट, 3.5mm जैक, स्पीकर ग्रिल, साइड में यहाँ पर आपको दिखता है राइट साइड में पावर बटन, और लेफ्ट साइड में आपको वॉल्यूम बटन दिखता है। ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूँ तो फिर ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको दिखता है सेकेंडरी नॉइज कैंसिलेशन माइक, पीछे की तरफ फिंगरप्रिंट स्कैनर, और यहाँ पर आपको दिखता है कैमरा यहाँ पे 16+5 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा, और यहाँ पे LED फ्लैश और पीछे फिंगरप्रिंट स्कैनर, और यहाँ पे डुअल टोन वाला जो उनका एक कह रहे हैं कि यहाँ पर एक डिफरेंट लुक हमने दिया है, तो वो एक डिफरेंट लुक यहाँ पे देखने को मिलता है आपको। तो यहाँ पर मैंने इस डिवाइस को सेटअप कर लिया है सारा कुछ, यहाँ पे ऐप ड्रॉवर आपको दिखता है जो सबसे अच्छी चीज़ है, और यहाँ पर मतलब दोनों ही ऑप्शन आपको दिख जाते हैं। तो मुझे बहुत बढ़िया लगा कि चलो भाई यहाँ पे दोनों ऑप्शन इन्होंने दे दिया है इस बार फाइनली। यहाँ पे कलर वेयर्स की अगर मैं बात करूँ तो फिर यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बात करूँगा ब्लोट वेयर्स की। ब्लोट वेयर्स यहाँ पे Realme ने भर भर के दिया हुआ है। अगर मैं बात करूँ ब्लोट वेयर्स की तो विंक म्यूजिक है, वेब नोवल है, यूसी ब्राउजर है, शेयर चैट है, फिर पता नहीं क्या क्या है, न्यूज़ पॉइंट है, यहाँ पे बहुत सारे ओपेरा वगैरह,
ये ऐसे एप्लीकेशन है जो कोई यूज नहीं करता है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे ब्लोटवेयर्स को जम करके इस्तेमाल किया हुआ है। चलिए हम एक दो हटा के देखते हैं कि ब्लोटवेयर्स हटते भी हैं या नहीं हटते हैं। तो हमने विंक म्यूजिक को यहाँ पर अनइंस्टॉल करने की कोशिश की है और ये अनइंस्टॉल हो गया है। तो यहाँ पर आप इन ब्लोटवेयर्स को हटा सकते हैं, ये थोड़ा बेटर यहाँ ऑप्शन है, लेकिन ब्लोटवेयर्स यहाँ पर इन्होंने भर भर के दिया हुआ है। अब यहाँ सबसे पहली चीज़ हम जाते हैं नोटिफिकेशन पैनल पे। नोटिफिकेशन पैनल की अगर बात करें तो भाई इतने बड़े बड़े यहाँ पर आइकन्स आज के टाइम पे कौन यूज करता है? टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इतने बड़े आइकन्स आज के टाइम पे कोई यूज नहीं करता है। यहाँ पे मिनिमल लुक करना चाह रहे हैं, मिनिमल यहाँ पे लोग परफॉर्मेंस चाहते हैं, मिनिमल लुक चाहते हैं। यहाँ पे मिनिमल करने के लिए लोग कितने सारे ऑप्शन थर्ड पार्टी लॉन्चर्स का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर इन्होंने मिनिमल की जगह पे यहाँ पे इन्होंने इतने बड़े बड़े नोटिफिकेशन आइकन्स दे दिए। नो डाउट ये मेरा दूसरा हैंडसेट है Realme की तरफ से जो कि मैं यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे पहले भी मैंने Realme 2 Pro भी यूज़ किया हुआ है और ये Realme 3 Pro है, लेकिन ऑनेस्टली बताऊँ तो फिर फर्स्ट इम्प्रेशन मुझे फ़ोन ठीक लगा। मैं आपको ख़राब नहीं बोलूँगा, फ़ोन अच्छा है, ऐसा नहीं है कि फ़ोन को आप थर्ड ग्रेड बोल सकते हैं, लेकिन सच्ची बताऊँ तो फिर यहाँ पर ग्लास का ज़माना था और अगर आपको पॉलीकार्बोनेट ही यूज़ करना था तो यहाँ पे थोड़ा और अच्छा यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी और मटेरियल का इस्तेमाल करते। मुझे मटेरियल यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट उतना अच्छा नहीं लगा, और नो डाउट पॉलीकार्बोनेट का एक ड्रॉबैक है जहाँ पर आपको स्क्रैचेस मिल जाते हैं, तो इसकी वजह से आपके इसके साथ जो कवर दिया गया है उस कवर का इस्तेमाल करना ना भूलें। चलिए हम यहाँ पर कैमरा को ऑन करके देख लेते हैं कि एग्जैक्टली इसमें कैमरा की क्वालिटी कैसी है। तो यहाँ पर मैंने एक इमेज क्लिक कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इमेज की क्वालिटी कैसी है। यहाँ पे अगर मैं इमेज की क्वालिटी की बात करूँ तो इमेज नो डाउट कैमरा आई बिलीव इट्स अमेजिंग, कैमरा यहाँ पे बहुत अच्छा है। फर्स्ट इंप्रेशन कैमरा का मुझे बहुत पसंद आया, कैमरा मुझे काफ़ी बेटर यहाँ पे देखने को लग रहा है। कैमरा नो डाउट यहाँ पर कंपैरिजन में इसके वीडियोस लाऊंगा बहुत सारे, लेकिन कैमरा का मुझे यहाँ पर पहला इंप्रेशन की बात करूँ तो फिर मुझे बहुत अच्छा यहाँ पर कैमरा लगा। ओवरऑल यहाँ पर फर्स्ट इंप्रेशन में बताऊँगा तो ये फ़ोन मुझे ठीक ठाक लगा, सिर्फ थोड़ी सी यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी से मुझे नाराज़गी है, बाकी यहाँ पर पूरा का पूरा मुझे सारा कुछ यहाँ पे ठीक ठाक लग रहा है। कलर ओएस मैं पहली बार यूज़ करूँगा तो यहाँ पे कलर ओएस 6 बोल रहा हूँ, कलर ओएस 6 पहली बार यूज़ करूँगा तो यहाँ पे इसका यूसेज के हिसाब से मुझे टाइम टू टाइम यहाँ धीरे धीरे पता चलेगा कि यहाँ पे एग्जैक्टली इसका परफॉर्मेंस कैसा है, कैसा दिखता है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो ये रहा फर्स्ट इंप्रेशन, पहला इंप्रेशन मेरी तरफ से गैजेट फ्रीक की तरफ से। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर आप ये डिवाइस खरीदने का सोच रहे हैं Realme 3 Pro तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं यहाँ पर आपको बहुत सारे कंपैरिजन वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस सारा कुछ लेकर के आऊँगा जहाँ पर आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि Realme 3 Pro, Honor Play, Honor 8X कौन सा फ़ोन लेना है, नहीं लेना है, पूरी जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही बने रहे, प्यार देते रहे और बोलते रहे जय हिंद वंदे मातरम।